वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। टैली प्राइम सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में मैं आमिर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। टैली प्राइम में एक बहुत ही कॉमन सा इशू है कि जब भी हम जनरल एंट्रीज को पास करने जाते हैं परचेज और सेल्स की, तो जीएसटी अपने मन से कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। जब भी हम पास करने के लिए जाते हैं एंट्रीज, सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल कर दी है, फिर भी जैसे हम परचेज करने के लिए जाते हैं या परचेज की एंट्री पास करते हैं तो वहां पर जीएसटी कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, सारा कुछ मैंने प्रॉपरली सेट किया। अभी मैं वाउचर्स पे जाता हूँ और अगर सेल्स की मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैं किसी भी पार्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, महेंद्र एंड सन्स को, एंटर प्रेस करके मैं जरा चेक कर लेता हूँ भाई महेंद्र एंड सन्स दिल्ली के हैं तो इनपे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टीज अगर अलग 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 स्टेट्स की होती है तो उनमें आईजीएसटी लगता है। इस पे ऑलरेडी मैंने सेपरेट क्लास बनाई हुई है। अब जब मैं 18% यहाँ पे डाल के अब मैं कोई भी प्रोडक्ट इनके साथ सेल करता हूँ, रेडमी नोट 8 ही सेल करता हूँ 10 पीसेस, और जब मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ कोई भी इनकी प्राइस डाल देता हूँ, मैं 12,800 रुपए सपोज डाल देता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ, जैसे मैं इंटरप्रेस करता हूँ यहाँ पे जीएसटी अप्लाई करने के लिए आउटपुट ओ प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे अपने मन से कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। यही चीज सेम टू सेम होती है जब मैं परचेज की एंट्री करने के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं जब परचेज की एंट्री फिल करता हूँ, इनवाइस नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ अपने मन से, इंटरप्रेस करता हूँ, डेट रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं रजत मोबाइल वर्ल्ड के साथ एंट्री पास कर रहा हूँ। इन डिटेल्स को मैं फिलहाल ऐसे रहने देता हूं, मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं 18% जीएसटी। और कोई भी प्रोडक्ट है, मैं रेडमी नोट 8 या रेडमी नोट 8 प्रो ही है, 10 पीस में खरीदता हूं, रेट डाल देता हूं मैं सपोज 12,500 रुपए है मेरे लिए परचेज रेट, और जब मैं इनपुट आईजीएसटी कोड करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे अपने मन से कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर यूजर्स के साथ हो रही है कि जब भी वो परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जीएसटी अपने मन से कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। अब ऐसा आपके साथ होगा तो भाई करेंगे क्या, कैसे हम ये चीज को इनेबल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपने जीएसटी की प्रॉपर डिटेलिंग मेंशन की है या नहीं की है। उसके लिए आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ऑल प्लस जी प्रेस करना है, देख लीजिए, आपको जाना है ऑल्टर मास्टर पे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैट्यूटरी डिटेल्स, जीएसटी पे जाइए, यहाँ से स्टेट देख लीजिए आपका प्रॉपरली फिल्ड है, रेगुलर रखना है आपको यहाँ से 1 अप्रैल 2020 से मेरी जीएसटी एप्लीकेबल होगी, एंटरप्रेस करना है, एंटरप्रेस करना है, मंथली रखूंगा मैं इसको, और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, तो मैं वाई प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा। देखिए मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है, आपका जो भी प्रोडक्ट है मेनली आप उसमें डिस्क्रिप्शन में वो डाल दीजिए, एचएसएन नंबर आप गूगल कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का एचएसएन नंबर आपको गूगल करने पर मिल जाएगा, वो फिल कर देना है। अब यहाँ पे वैल्यूज में टैक्सेबल रहेगा आपका सारा। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है, कई बार आपके साथ हो सकता है कि इंटीग्रेटेड टैक्स और कैश टैक्स ही शो करे, शायद हो सकता है कि आपके में सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स ना शो करे। अब आपको करना क्या है, इसी स्क्रीन पे आपको F12 प्रेस करना है, और सबसे लास्ट का ऑप्शन अगर आपके वाले में इनेबल नहीं था, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, अगर आपके वाले में नो है तो आपको उसको यस करना है। सबसे पहला काम यस करना है, जैसे कैश करेंगे तो आपको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी दिखाई देने लगेंगे, इसके पहले जबकि सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स और कैश टैक्स यहाँ पे शो करते हैं। अब आपको इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% भरना है, बाकी दोनों में आपको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए, इंटरप्रेस करते जाइए, यहाँ पे आपको करना है टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, देखिए टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, इंटरप्रेस करिए। यहां से एक्सेप्ट करने से पहले आपको एक चीज फिर से देखनी है, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी 1 अप्रैल 2020 के बाद की एंट्रियां जब हम पास करेंगे तभी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उसके पहले की एंट्रीज में जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एंट्रीज जब पास करनी है तो डिटेल आपको 1 अप्रैल 2020 के बाद की फिल करेंगे तो ही जीएसटी अप्लीकेबल होगा, अगर उसके पहले की डिटेल है तो आपको यहाँ पर आकर 1 अप्रैल 2019 करना होगा, ध्यान रखिए। फिलहाल आपको कंट्रोल लेकर के सेव करना है और यहां से आपको एस्केप करके बाहर आ जाना है। सेकेंड नंबर पर आपको ये चेक करना है जो भी आपके आइटम्स है क्या प्रॉपरली उनमें जीएसटी कोड किया गया है, उसके लिए आपको ऑल्टर पे जाना है, और जाने के बाद आपको चले जाना है स्टॉक आइटम पे, कोई भी एक आइटम सेलेक्ट कर दे, जैसे अभी मैं एंट्री पास कर रहा था रेडमी नोट 8 की, तो यहाँ पे मैं रेडमी नोट 8 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करते जाना है आपको, यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स है, आपको इसको वाई प्रेस करना है और एंटर कर देना है। मेरा ऑलरेडी सारा कुछ फिलअप है, आपके में चेक करना है कि आपको इसी तरीके से जैसे मैंने विंडो में भरा हुआ है क्या प्रॉपरली सेट ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, 18% फिल कर देना है, जो सी और एस ऑटोमेटिक ले लेगा 99%, आपको कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है, यहाँ से गुड्स रहेगा और कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है। सेकंड काम में आपको ये करना है, पहले काम में आपको करना है क्या है, आपको जीएसटी चेकआउट करना है, दूसरे स्टेप में आपको अपने प्रोडक्ट पे जाके प्रॉपर चेकिंग करनी है
कि जीएसटी कोट किया गया है या नहीं किया गया है। थर्ड स्टेप में आपको लेजर्स पे जाना है और आपको जाना है जो भी आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, सपोज मैं ओ जीएसटी, आउटपुट जीएसटी या इनपुट जीएसटी जो भी मैं लगा रहा हूं, तो सपोज मैं इनपुट जीएसटी पहले चेक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट जीएसटी सारा पहले से फिल्ड है। एक बार इंटर प्रेस करता हूं, देखिए ऐसे ही आपको रखना है। इनपुट आई जीएसटी का ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी रहेगा यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स, और जितना परसेंटेज हो वो फिल कर दीजिए, कंट्रोल ले करके सेव करिए। ऐसे ही अगर आउटपुट का है तो आउटपुट को भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको बनाना है, कुछ करना नहीं है, ये प्रॉपर डिटेलिंग आपके कंट्रोल ले करके सेव कर देना है। ऐसे सी और एस सारे चेकआउट करिए प्रॉपरली, सब में जीएसटी कैलकुलेशन रेट भरा हुआ है परसेंटेज में 9% 10% जो भी है, तो उसको ठीक करिए। अगर नहीं भरा हुआ है तो उसको भरिए। अगले स्टेप में अब आपको जो करना है, एक बार फिर से जाते हैं एंट्री पास करके देखते हैं भाई। एंट्री पास करने से पहले जो एक चीज मैंने आपको बताई थी बहुत काम की थी, वो आपको ये है कि डेट आपकी 1 अप्रैल 2020 के बाद की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जीएसटी कोड करते समय वहां पे फिल किया है कि आपका जीएसटी 1 अप्रैल 2020 के बाद लागू होगा, और मेरी यहाँ पे आप डेट देखेंगे 31 मार्च 2020 आ रही है। इसका मतलब मैं इस एंट्री को पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसमें जीएसटी लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीएसटी तो 31 मार्च को लागू ही नहीं था आपकी डिटेल्स के हिसाब से, वो तो 1 अप्रैल के बाद से लागू था। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी है। तो F2 जब मैं प्रेस करूंगा डेट चेंज करने के लिए, एंटर करता हूं, तो ये कह रहा है आप इसको डेट को नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये डेट जो है आपके करंट पीरियड से बाहर की है, तो अब आपको पीरियड चेंज करना होगा। आपको यहीं से क्या करना है, आपको ऑल्ट F2 प्रेस करना है, एस्केप करके बाहर आ जाइए, और आपको ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करना है। अब पीरियड देखिए मेरा कितना है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, और जीएसटी मैंने अप्लाई की 1 अप्रैल 2020 के बाद, यानी मेरे पीरियड से बाहर है, तो मुझे इस पीरियड को चेंज करना है। या तो जीएसटी की डिटेल चेंज करिए या फिर इसके पीरियड को चेंज करिए। तो यहां से मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं 20 एंड 21, और अब कंट्रोल ए करके सेव करता हूं। इसके बाद मैं डेट डालता हूं, तो यहां पे F2 प्रेस करता हूं और ये डेट डाल देता हूं। अपडेट भर गई है। अब आप एंट्री करिए बिंदास, आपकी एंट्री ले लेगा। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। यहां से जैसे मैंने अभी इससे पहले, मान लीजिए महेंद्र सेंस रजत मोबाइल वर्ड किसी से भी है, रजत को ही सिलेक्ट कर लेते हैं भाई, इंटरप्रेस करते हैं, सारी कुछ इंटरप्रेस करते हुए चले जाते हैं। यहां से रजत दिल्ली के हैं, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि इन पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं कोई भी, तो रेडमी नोट 8 या नोट 8 प्रो 10 पीसेस इंटरप्रेस कर देते हैं। प्राइस भर गया अपने मन से, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब हम चूंकि ये परचेस की एंट्री है तो इनपुट लगेगा, तो मैं आई प्रेस करता हूं और यहां से लेता हूं इनपुट आईजीएसटी, और देखिए अपने मन से कैलकुलेट हो गया, इट्स ऑल डन। और बहुत ही सिंपल चीज है, आपको कुछ स्टेप्स में जाके इन चीजों को देखना है और आपका जीएसटी ऑटोमेटिक फिल होने लगेगा। डेट्स चेक करने हैं, आइटम्स जो आपने क्रिएट किए हैं क्या उनमें प्रॉपर जीएसटी कोड किया है ये चेक करना है, एंड आपको लेजर्स में जाके जरूर चेकआउट करना है, क्या लेजर्स में आपने प्रॉपरली जीएसटी रेट डाला है या नहीं डाला है। अब अगर हम सेल की एंट्री भी करेंगे तो सेल का भी ले लेगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको, सेल का यहाँ पे शॉर्टकट होगा F8, यहां से मैं प्रेस करता हूँ, पार्टी का नाम कोई भी ले लेते हैं हम, यहाँ से स्केप करके बाहर चले जाते हैं एक बार, तो इंटरफेस करते हैं, सेल की एंट्री है। अब यहां पे मैं सेल में सेलेक्ट कर देता हूं महेंद्र एंड सन्स, ठीक है, इंटरफेस कर देता हूं। अब महेंद्र एंड सन्स जो है वो दिल्ली के ही है, तो इनको जब मैं सेल करूंगा तो आउटपुट जीएसटी में चार्जेबल होगी। तो महेंद्र एंड सन्स में मैं कोई बदलाव करूंगा नहीं, यहाँ पे 18% ले लेता हूं। रेडमी का ही फोन था या कोई दूसरा सेट ले लेते हैं हम, यहाँ पे प्राइस डालते हैं 10 पीसेस। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ फिलअप कर दीजिए, मैं भर देता हूँ अमाउंट यहाँ पे 18,500 रुपए, सेल कर रहा हूं मैं इसका, एंटर प्रेस करूंगा, 18,500 रुपए से ज्यादा हो गया है, तो एक बार जरा मैं फिर से चेकआउट कर लेता हूं, 18,500, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहां पे मैं आउटपुट के लिए ओ प्रेस करता हूं, और यहां पे ये देखिए अपने मन से कैलकुलेटेड है, इट्स ऑल डन, इट्स वेरी इजी। कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी अपने मन से कैलकुलेट होके आएगा। अगर आप उन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो चाहे आप जितनी सेटिंग कर लीजिए आपका जीएसटी अपने मन से कैलकुलेट होगा नहीं। तो आई एम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मुझे बताना था आपको कि जीएसटी के प्रॉपर सेटिंग्स आपको कैसे करनी है और वो किस तरीके से काम करती है। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, जब आप लेजर्स क्रिएट करेंगे, अब जैसे महेंद्र एंड सन्स का लेजर आपने क्रिएट किया है, ठीक है, तो यहां पर आपको ये भी देखना है क्योंकि आपने जीएसटी के जो डिटेल्स फिल की है परचेज के लिए स्पेशली, वो आपने रेगुलर लगा रखी है। तो यहां पर जब आप लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करते समय महेंद्र एंड सन्स या जो भी सुरेश एंड सन्स जो भी होंगे, वो यहाँ पे आपको रेगुलर ही रखना है, रेगुलर परचेज पे रेगुलर रखना है। सेल्स पे आप अनरजिस्टर्ड रख लेंगे या नोन रखेंगे वो चलेगा, परचेज पे आपको रेगुलर ही रखना है। इसका मतलब जिससे आप माल परचेज करते हो वो रेगुलर कस्टमर है, जीएसटी पे करता रहता है, तो यहाँ पर आपको रेगुलर रखना है, क्योंकि जीएसटी डिटेल फिल आउट करते समय आपने रेगुलर रखा हुआ है।
ये रेगुलर लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये चीज आपको एक बार और जरा चेकआउट कर लेनी है। तो हम जो चीजें समझ आ गई होंगी आज की वीडियो में, फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर।